27 मई वर्ष 1957 में कॉपीराइट अधिनियम यानी प्रतिलिपियाधिकार अधिनियम पारित हुआ। यह बिल लोकसभा में पारित हुआ। इससे पहले यह विधेयक 15 मई 1957 को ही राज्यसभा से पारित किया गया। कॉपीराइट के अंतर्गत आने वाले कार्य हैं साहित्यिक, संगीत संबंधी, नाटकीय, कलात्मक, आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट, सिनेमेटोग्राफ फिल्म, कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर संबंधी कई अन्य कार्य। कॉपीराइट बौद्धिक संपदा का एक रूप है। किसी लेखक के द्वारा कोई लेख या प्रकाशन किया जाता है तब इसको एक निश्चित समय के लिए उस लेखक या प्रकाशन पर विशेष अधिकार ही कॉपीराइट या बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाता है। कॉपीराइट कानून द्वारा किसी भी व्यक्ति के मूल कार्य को कानूनी रूप से सुरक्षा मिलती है। जनवरी वर्ष 1958 में भारत सरकार द्वारा कॉपीराइट अधिनियम को कानूनी रूप से लागू किया गया।